नमस्कार, संसार क्रांति की टीम इस समय भिवानी में मौजूद है और दर्शकों, आज विशेषकर हम आपसे इंट्रोड्यूस जिस चेहरे को करवाने जा रहे हैं उनके बारे में मैं जितना भी बोलूं उतना ही कम है, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो ऑलराउंडर है। जिस ऑलराउंडर के बारे में आमतौर पर हम सुनते हैं, सुनते आए हैं, ऑलराउंडर क्या होता है, एक ऐसे ऑलराउंडर चेहरे से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके बारे में यदि हम टेक्निकल के रूप में बात करें या फिर वाटर सोर्सेज के ऊपर बात करें या फिर बिजली आपूर्ति की बात करें या सोशल वर्क की बात करें या फिर पशु प्रेम की बात करें या पौधों से प्रेम की बात करें, तो हर चीज़ में उनके अंदर वो गुणवत्ता कूट कूट करके भरी हुई है। और आज उन से ही हम रूबरू करवा रहे हैं दर्शकों को, जिनका नाम है दयाराम। जो पढ़ाई की यदि हम बात करें तो सिर्फ 10 तक वो पढ़े हैं, बल्कि 10वीं में भी वो पास नहीं हुए ऐसा उन्होंने बताया। उसके बावजूद भी जो उन्होंने किया है वो काबिले तारीफ है। अनेक अवार्ड उनको दिए गए सरकार के द्वारा, सरकारी गैर सरकारी संगठनों द्वारा, और उनकी इन्हीं प्रतिभा को देखते हुए हम भी इनके पास पहुँचे हैं। तो दयाराम जी, कहाँ से इन चीज़ों की प्रेरणा आपको मिली, कैसे आप इस तरफ बढ़ चले, जबकि एक तरफ हायर एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट हैं वो खाली बैठे हैं घर, समय बर्बाद कर देते हैं और ये कहते भी रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं, और आप बेरोज़गार होते हुए कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत सी बड़ी बड़ी यूनिट आप लगा रहे हैं और युवाओं के लिए भी प्रेरणा बने हुए हैं, समाज के लिए भी। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ये? ये अपने अंदर से ही भावना होती है इंसान की, ये किसी के कहने सुनने से नहीं होती है, न देखने से होती है, न किसी को बताने से होती है जी। हम अपने से जो भी करना चाहते हैं ना, वो खुद का मेहनत और मजदूरी और दिमाग से जब हम काम करते हैं, रात को नींद नहीं आती अगले दिन के लिए, और हम उस काम को करते हैं जो देश के प्रति काम आए। पर्यावरण है, चाहे जैसे हरियाली है, हम यहाँ पर जहाँ खड़े हैं, हमारे यहाँ पर बाग लगा हुआ है जी, जी। देख रहे हैं आप, इसमें पेड़ों पर इस समय भी आम हमारे लगे हुए हैं जी, बिल्कुल देख सकते हैं। और भाई साहब हमारे साथ हैं, तो हम जो प्राणी प्रेमी की बात करेंगे तो हम चलते हैं यहाँ तो पर, हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे डॉग्स भी है जो ये देखिए ये कितना प्रेम करते हैं हमारे से। चलो जी जी जी, ये साथ साथ फोटो भी ले रहे हैं भाई साहब जी जी, और ये हमारे कितने सहायक हैं, इनसे हम प्रेम भी रखते हैं। तो हमारे को जो जानकारी आई, आप इंजीनियरिंग के बड़े माहिर हैं, और एक तरफ वो थ्योरेटिकल की हम बात करें और आप प्रैक्टिकल तरीके से जो कर रहे हैं वो बड़ी ही एक दिलचस्प बात है, और आपने दिखाया भी, हम दिखाएंगे भी दर्शकों को अभी काफ़ी कुछ मशीन करी आपने जो खुद ऐजाद की हैं और खुद आप उनको तैयार कर रहे हैं और उसके माध्यम से करें, तो वह वो जो एजुकेशन है, वो जो नॉलेज है, वो कैसे आपको मिली? वो भी हमारे लोगों ने सिखाया भाई, जो जो कमियां हैं देखने के लिए उसको सही नहीं कर पा रहे, हमने कोशिश की भी हर चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, मशीनरी हो चाहे को टेक्निकल काम हो, इलेक्ट्रिक का काम है, पानी का है, बिजली का है। और मैं ये दावा करता हूँ कि कोई भी आदमी मेहनत से अपने रंग में लगा करके कोई भी मार नहीं खा सकता, अपना बेरोज़गार हो ही नहीं सकता। और हिंदुस्तान के अंदर जो कमियां हैं, जो बिजली की पानी की, वो हमें दूर करके दिखाई हैं। अभी भी मैं दावा करूंगा टीम के साथ कि भी मैं पूरा 100% गारंटी के साथ बिजली और पानी की समस्या को दूर करने की काबिलियत रखता हूँ। तो कुछ मशीनें आप दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, दिखाना चाहेंगे जी, जी। तो अभी जैसा कि दयाराम जी ने बताया, कुछ मशीनें हैं जो इन्होंने खुद तैयार की हैं और वो मशीनें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो जी, आप यहीं से शुरू हो जाइए, देखिए आप। ये हमारा यहाँ पर एक देखिए कूलर बना हुआ है जी, आप अपरली तरफ से फोटो ले सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये कूलर इन्होंने खुद बनाया है कूलर, और सारा का सारा ये स्टील बॉडी से है। स्टील बॉडी और ये फुल ऑटोमेटिक जी जी। तो ऑटोमेटिक में इसके अंदर जो है ना, ये पानी की और बिजली की बचत दोनों करता है, जब भर जाता है तो बंद कर देता है ऑटोमेटिक। चलिए, और मशीनें थोड़ा आप बताएंगे और दर्शकों को हम, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने इस सारी जगह के अंदर सारा का सारा एक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट भी लगाए, और ये आप देखिए, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक हलवाई जो हलवाई होता है जिसमें बड़ी शुद्धता के साथ जी 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 शुद्धता के साथ इसमें मिठाइयाँ भी तैयार हो सकती है और वेस्टेज नहीं है, मेन बात इसमें किसी प्रकार की वेस्टेज नहीं है। आप वहाँ भी कुछ दिखा रहे थे, नहीं अंदर कोई मशीन आप बता रहे थे, मशीन तो वही थी अंदर जी। और एक आप यहाँ देखिए, जैसे क्योंकि इन्होंने अपने पूरे घर को ही इंजीनियरिंग के तौर पे यदि हम देखें, टेक्नोलॉजी के तौर पे हम देखें, तो हर जगह पूरे घर के अंदर टेक्नोलॉजी, और यही
टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल मशीनें जो इनके द्वारा बनाई गई है। एक मशीन हम यहाँ देख रहे हैं, दयाराम जी दिखा रहे हैं, खराद मशीन जिसको लेथ मशीन बोलते हैं, अभी ये दिखाएंगे इसमें क्या विशेषता है। बताओ दयाराम जी, इसकी क्या विशेषता है? जी ये फुल ऑटोमेटिक सिस्टम है और इसके अंदर देखो कोई भी एक्सीडेंट हो चलने में दिक्कत नहीं आती है। हम चालू करके दिखाते हैं इसको और ये बहुत ही लेटेस्ट मॉडल में है और इसके अंदर सब ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। देखिए अभी तुरंत जैसे भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ये बंद कर देगी। देखिए तो ये इन्होंने बताई इसकी विशेषता, ये जो मशीन है आम मशीनों से थोड़ा हट करके है, इसके अंदर इन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं जिसकी वजह से यदि इसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो तुरंत प्रभाव से मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और कोई बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। और यदि कोई भी काम इस पे मशीन पे लगा रखी है कोई जॉब, वो पूरा काम हो जाता है तो अपने आप उस जॉब के पूरा होते ही मशीन ऑटोमेटिक कट कर देगी। ये टेक्नोलॉजी इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड की है जिसकी वजह से इनकी विशेषता पूरे के पूरे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से बाहर के क्षेत्र भी हैं वहाँ भी इनकी पहचान बनी हुई है। से इनको काफ़ी सारे अवार्ड भी दिए गए हैं। आप ये देखिए एक ऐसा फैन यहाँ बनाया गया है जो चिमनी होती है, जो भट्टे होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा और बहुत सी समस्याएं जो भट्टे वाले होते हैं उनको उन समस्याओं से भी निजात मिलेगी, ऐसा दयाराम जी बता रहे हैं। तो दयाराम जी आज हमें आकर के भी यहाँ बहुत कुछ आपके बारे में जैसा हमने सुना था उससे बढ़ करके मिला, तो हम दर्शकों को विशेषकर आज यही संदेश देना चाहते हैं, जो यूथ है, जो युवा है, जिसके दिमाग में ये बात आ गई है भाई हमें तो सरकारी नौकरी मिलेगी तो हमें कामयाबी मिलेगी, ऐसा नहीं है। दयाराम जैसे उदाहरण समाज के अंदर आज भी हैं जो इनसे सीख ले सकते हैं, एक ऑलराउंडर की प्रतिभा इनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। दर्शकों को आज हमारा यही संदेश है भाई वो अपने हुनर को निखारे और अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करें। भिवानी से संसार क्रांति के लिए क्रमवीर आर्य है।